हेलो एवरीवन माय सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जयसर ट्यूटर्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डू बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास ट्वेल्व फिजिक्स फेब्रवरी 2020 में जो पेपर आया हुआ था उसका आज हम एनालिसिस करेंगे टाइमिंग है थ्री आर्स सो लेट स्टार्ट विथ सेक्शन ए सो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर वन होता है वो एज यूजल हमारा एमसी बेस्ड है सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट सब क्वेश्चन If the length of a potentiometer wire is increased by keeping constant potential difference across the wire, then dash. So the correct answer will be option number A. Null point is obtained at larger distance. Second, if a coil of metal wire is kept stationary in a uniform magnetic field, then dash. So the correct answer will be option number C. Neither EMF nor current is induced third in rotational motion of a rigid body all particles move with dash so the correct answer will be option number c different linear velocities and same angular velocities in a rotational motion of a rigid body all particles move with different linear velocities and same angular velocities fourth a standing wave is produced on a string fixed at one end and free at other. The length of string must be dash. So the correct answer will be option number A odd integral multiple of lambda by 4. Fifth, herapetite iodosulfate of quinine is used in the production of dash. So the correct answer will be option number B, Polaride. Moving towards sixth. A diffraction pattern is obtained by making blue light incident on a narrow slate. If blue light is replaced by red light, then the diffraction band dash becomes broader. Seventh, two droplets coalesce in a single drop. In this process, the energy is liberated. Eighth, in hydrogen atom, electron jumps from the third orbit to the first orbit. द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज ऑप्शन ए वन पॉइंट जीरो ऑप्शन सी थ्री पॉइंट माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड एंड ऑप्शन डी फोर पॉइंट टू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड तो देखो यहां पर हमसे क्या कहा था कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना होगा सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई ये वाले फॉर्मूले से हम लोग कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जंप कर रहा था थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जंप कर रहा था मतलब कि एन की वैल्यू कैसे आएंगी थ्री माइनस टू इज इक्वल टू एच बाय टू पाए सो टू एच बाय टू पाए विच इज इक्वल्स टू एच बाय पाए एंड स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पेपर का इंफॉर्मेशन था वहीं पर सभी नोट में सभी जितने भी कॉन्स्टेंट थे सभी की वैल्यू दे दी थी सो so, एच की वैल्यू कितनी आ जाएंगी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी फोर एंड पाई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3.14 पॉइंट वन फोर सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर कितनी आ जाएंगी उसकी वैल्यू टू पॉइंट वन वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जू सेकेंड सो यहां पर हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होंगी वही बताना था सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नाइन्थ अ फिक्सड वॉल्यूम ऑफ आयरन इज ड्रॉन इंटू अ वायर ऑफ लेंथ एल the extension x produced in the wire by a constant force f is proportional to so, so the correct answer will be option number c l square ye dekho yahan par hum log ne v को वॉल्यूम कंसीडर कर लिया a को एरिया कंसीडर कर लिया so, यंग मॉड्यूलस क्या होता है है एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल डेल्टा एल को शिफ्ट करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वो एल क्यूब होता है एल क्यूब को एल स्क्वायर इंटू एल एल स्क्वायर क्या होता है एरिया तो एरिया इंटू लेंथ लिखा है सेम यहाँ पर देन एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय लेंथ हो गया यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए सो so, जो एफ है मतलब कि जो फोर्स एफ है वो फिर किसके प्रपोर्शनल आ रहा है यहाँ पर एल स्क्वायर के प्रपोर्शनल आ रहा है वही बताना था ठीक है नाउ टेंथ टू टूनिंग फॉल्स है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव विल बी। सो विल बी वन बाय फोर सेकेंड्स सो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है फ्रीक्वेंसी वन कितनी है हमारी फोर फिफ्टी हर्ट है एंड फ्रिक्वेंसी टू कितनी है फोर फिफ्टी फोर हर्ट से टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इंटरवल वो वन बाय एफ होता है तो वन बाय एफ टू माइनस एफ वन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज दी थी तो एफ टू कितनी है फोर फिफ्टी फोर है एफ वन कितनी है फोर फिफ्टी है तो वन बाय फोर आ गया यहाँ पर हमारा टाइम इंटरवल ठीक है सो so, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर वन था सेक्शन ए का वो कंप्लीट हो गया है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज एटेन्युएशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम में जो एटेन्युएशन रहता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है सो एटेन्युएशन इज द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल्स और कनेक्शन एटेनुएशन का क्या है डेफिनेशन इट इज द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इन नेटवर्किंग केबल्स और कनेक्शंस सेकेंड वॉट इज आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है हमारा द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस नाउ थर्ड वॉट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इन लेंस लॉ लेंस लॉ में जो नेगेटिव साइन रहता है वो क्या इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन इन लेंस लॉ इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ करंट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक करंट मतलब कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो किसको को अपोज कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लग्स को अपोज कर रहा है तो वही नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है नंबर फोर्थ डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ में अगर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कम फेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है एट विच पोजिशन द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एस एच एम इज प्योरली पोटेंशियल प्योरली पोटेंशियल कौन से पोजीशन पे होगा तो टोटल uh, एनर्जी तो वो कौन से पोजीशन पे होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है ठीक है कहाँ पर होगा प्योरली पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन पे नंबर सिक्स स्टेट एंड नेम द नेम ऑफ द स्टेट द नेम ऑफ द विजिबल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो विजिबल सीरीज है उसका नाम क्या है तो उसका नाम क्या होता है बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विजिबल सीरीज है उसका नेम क्या है बाल्मर सीरीज है ठीक है नाउ नंबर सेवेंथ एट वॉट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ डेट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ सो दाइट जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वो, uh, वो कितनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट है ऑफ डेट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ तो ऐट द हाइट ऑफ आर डेट इज वन हाइट जो रहेगा वो रेडियस के इक्वल रहेगा तब ठीक है नंबर एट कैपेसिटी ऑफ अ पैरल कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइव इज फोर्टी म्यू एफ कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर वैन डायलैक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव तो कोई एक पैरल कैपेसिटर है जब उसके साथ में डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाला था तब उसकी जो कैपेसिटी थी वो कितनी आ रही थी फोर्टी म्यू एफ आ रही थी बट वही अगर डाइलेक्ट्रिक तो अगर हम लोग ने जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल था उसको अगर रिमूव कर दिया तो फिर जो कैपेसिटर है पैरेलल कैपेसिटर उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होंगी सो कैपेसिटी ऑफ मीडियम यहां पर कितना दिया हुआ है हमें फोर्टीम यूएफ दिया हुआ है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइव दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ एयर पूछा है कैपेसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ मीडियम बाइक के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो so, जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको रिमूव करने के बाद में जो पैरल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी आएंगी एट यूएफ आएंगी ठीक है सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर सेक्शन ए नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन बी सो सेक्शन बी में हमें एट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था सो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे क्या कहा है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन सो यहाँ पर हमें थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करना है एंड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन को डिफाइन करना है ठीक है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सिर्फ सादा सादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन था वो बताना है एंड देन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज द मिनिमम फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच में हम लोग को डिफरेंस टेबल क्रिएट करना था ठीक है सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इट इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज एंड फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फर्स्ट पॉइंट विल बी इट रेड्यूसेज द आउटपुट वोल्टेज second input voltage is low while the output voltage is high for step down transformer second point will be input voltage is high while the output voltage is low third current is low on the secondary winding third current is high on the secondary winding for step up transformer fourth point will be it has more secondary winding turns than primary winding turns

सो so, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्काई वेव प्रोपैगेशन क्या होता है मतलब सबसे पहले स्काई वेव प्रोपैगेशन की डेफिनेशन लिखना रेडियो वेव्स फ्रॉम अ ट्रांसमिटिंग एंटेना रीच द रिसीविंग एंटेना आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द आइनोस्पियर द वेव प्रोपैगेशन इज कॉल्ड अ स्काई वेव प्रोपैगेशन द स्काई वेव्स इंक्लूड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी बिटवीन थ्री मेगा टू थर्टी मेगा हर्ट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आइनोस्पियर इज कॉल्ड द्रिटिकल फ्रीक्वेंसी द मिनिम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेडियो सिग्नल इज बिन ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड द स्कीप डिस्टेंस देन ये चार पॉइंट हो गए सबसे लास्ट वाले इसमें क्या लिखना है स्काई वेव प्रोपैगेशन के एप्लीकेशन लिखना है ठीक है सो so, कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्काई वेव प्रोपेगेशन एज इट इज डिपेंडेंट ऑन दी अपर एटमोसफेरिक कंडीशन एंड सेकेंड कौन सा एप्लीकेशन होता है मोबाइल कम्युनिकेशन का ठीक है सो so, यहाँ पर यह हमारा स्काई वेव प्रोपेगेशन पर एक शॉर्ट नोट हो गया देन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे क्या कहा है ऑप्टेन द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सिलेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन सो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन डेट इज़ एंड एंगुलर एक्सेलरेशन डैट इज़ अल्फ़ा इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था सो so, देखो यहाँ पर हमें पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन डैट इज अल्फ़ा क्या होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी डेट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा डेल्टा ओमेगा क्या हो गया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो गया एंड एक्सिलरेशन साधा जो हमारा लीनियर एक्सिलरेशन जो रहता है वो क्या होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी मतलब कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बट हमें ये भी चीज पता है कि वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है सो इज ए इज इक्वल्स टू आर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू आर अल्फा सो ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा ये रिलेशन आ जाएगा सो द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज गिवेन बाय ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवन्थ हमसे क्या कहा है डेड्यूज बॉइल्स लॉ यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बॉयल्स लॉ मतलब कि यहाँ पर क्या रहेगा हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा सो अकॉर्डिंग टू बॉइल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर रिलेटेड एज पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू वन बाय थ्री एन बाय वी एम वी स्क्वायर वी को यहाँ पर लेके चले जाएंगे पी वी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एन एम इन वी स्क्वायर देन उसके बाद में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू ऑन आर एच एस वी गेट सो यहाँ पर ये यह जो राइट हैंड साइड हो गई हमारे इक्वेशन की वहां से हम लोग ने क्या किया टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ठीक है सो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है सो पी वी इज इक्वल्स टू टू बाय थ्री एन इन टू काटिक एनर्जी जो कि ये पूरी टर्म कैसी हो जाएंगी कॉन्स्टेंट तो मतलब पी वी कैसा हो गया यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट हो गया देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एट देखो क्वेश्चन नंबर एट में हमसे क्या कहा है स्टेट एनी टू पॉस्टुलेट्स ऑफ बोस थैरी ऑफ हाइड्रोजन एटम सो हाइड्रोज बोस थैरी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसके हमें कोई भी दो पॉस्टुलेट्स लिखने थे ठीक है सो so, कैसे लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलेट और सर्कुलर ऑर्बिट ये फर्स्ट पॉस्टुलेट हो गया एंड सेकेंड पॉस्टुलेट कौन सा होगा

डिपेंड्स हाउ इट कैन बी इंक्रीज सो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो रहता है वो डिपेंड करेगा एंड वो इंक्रीज कैसे हो सकता है सो रिज़ोल्विंग पावर ऑफ़ माइक्रोस्कोप जो होता है इट इज गिवेन बाय एन ए 0.61 जीरो पॉइंट सिक्स सो तो जो रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप होता है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है एक तो वेव लेंथ दैट इज लैमडा पे वो डिपेंड कर रहा है एंड देन उसके बाद में एन ए पे डिपेंड कर रहा है एनए क्या है ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर है सो टू इनक्रीज द रिजोल्विंग पावर वी कैन इंक्रीज द वेव लेंथ एंड डिक्रीज द न्यूमेरिकल अपर्चर वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप का वो भी कैसा होगा बढ़ेगा एंड अगर एन को कम करेंगे तो अभी भी जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की वो इंक्रीज होंगी ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन दोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल सर्फेस इज थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ फाइव थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल विल देयर बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ठीक है सो so, ये न्यूमेरिकल बेस्ड आ गया क्वेश्चन यहाँ पे सो so, यहाँ पर सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें सबसे पहले गिवन लिखना देन उसके बाद में टू फाइंड लिखना एंड देन सॉल्यूशन सो गिवन में हमारे पास वर्क फंक्शन फाइव कितना दिया है थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द पॉवर माइनस नाइनटीन जू एंड देन वेव लेथ ऑफ इंसिडेंट लाइट कितना दिया हुआ है लैमडा इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड एम स्ट्रॉम विच इज इक्वल टू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन मीटर देन उसके बाद में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कैसे लिखते हैं ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैमडा एच क्या प्लैंक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट करो सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर सी का स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू द पावर एट लैमडा की वैल्यू दी हुई है फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन मीटर सो so, यहाँ पर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ गई ठीक है अब यहाँ पर देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो कितनी आई थ्री पॉइंट नाइन सेवन टू इंटू टेन टू आई माइनस थ्री पॉइंट नाइन वो थ्री पॉइंट एट फोर से बड़ा है मतलब कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो हमारा वर्क फंक्शन फाइव से बड़ा हो गया सो एज इज ग्रेटर देन फाइव सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल अकर नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन पैरल एल सी सर्किट कम्प्राइजेस ऑफ अ फाइव एच इंडक्टर एंड अ फाइव म्यू एफ कैपेसिटर कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट ठीक है सो so, ये न्यूमेरिकल आ गया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे एंड देन उसके बाद में सॉल्व करेंगे गिवन में इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है एल इज इक्वल्स टू फाइव एच कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है सी इज इक्वल्स टू फाइव म्यू एफ इच इज इक्वल टू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स एफ देन उसके बाद में रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉइन्ट टू पाए इन टू अंडर रूट ऑफ एल सी सो यहाँ पर सभी चीज़ की वैल्यू पुट कर देंगे एल एन सी की जो क्वेश्चन में दी हुई थी सो so हमारा जो रेसोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी थर्टी वन पॉइंट एट थ्री हर्ट्स आ जाएंगी ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वायर लेंथ वन मीटर एंड मास टू ग्राम इज इन यूनिसन विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी थ्री हंड्रेड हर्ट्स कैलकुलेट द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर सो यहाँ पर क्या करना है हमें टेंशन फाइंड आउट करना है तो so, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे हम गिवन लिखेंगे गिवन में लेंथ कितनी है वन मीटर मास टू ग्राम विच इज इक्वल टू टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री के जी फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड हर्ट्स देन उसके बाद में मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं म्यू म्यू मु इज इक्वल्स टू एम बाय एल तो यहाँ पर मास भी दिया हुआ है लेंथ भी दी हुई है मास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री के जी लेंथ कितनी दी हुई है वन मीटर दी हुई है सो so, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू इंटू टेन टू द पॉवर माइनस थ्री के जी पर मीटर आ जाएंगी देन उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बायू टी क्या हो जाएगा यहाँ पर टेंशन हो जाएगा एंड यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है ठीक है देन उसके बाद में फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चिंक एफ इज इक्वल्स टू वी बाय टू एल टू एल यहाँ पर वी वी क्या होता है टी बायम यू सो so, हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ टी बायम यू इंटू वन बाय एल विच इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड 300 थ्री हंड्रेड दिया हुआ है हमें सो so, यहाँ पर हम लोग ने म्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी म्यू की वैल्यू कितनी आई थी टू इन टू टेन टू द पावर माइनस थ्री आई थी वो पुट कर दी देन उसके बाद में यहाँ से पूरा इक्वेशन ये सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन है सॉल्व करेंगे देन टेंशन की वैल्यू आ जाएंगी सो so, फाइनल में टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई सेवन ट्वेंटी न्यूटन आ गया सो द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर डैट इज टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सेवन ट्वेंटी न्यूटन आ जाएगा ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमसे क्या कहा है एनर्जी ऑफ थाउजेंड जूल इज स्पेंड टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील फ्रॉम ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड टू थर्टी रेडियन पर सेकेंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील सो यहाँ पर क्या करना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील फाइंड आउट करना है सो so, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन गिवेन में एनर्जी स्पेंट इज इक्वल्स टू नाइन हंड्रेड जून इनिशियल एंगुलर स्पीड दी रेडियन सेकंड फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ थर्टीन थर्टी रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है सो इट इज अ केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन रोटेशनल कानामेटिक्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन और द एनर्जी स्पेंट सच दैट हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वर्क डन सो यहाँ पर आई आई कॉमन है एंड हाफ कॉमन है सो हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वर्क डन सो यहाँ पर हमें आई फाइंड आउट करना था सो so, क्वेश्चन में भी हमसे मोवमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज आई फाइंड आउट करने के लिए कहा था सो आई इज इक्वल्स टू टू ओमेगा इसको साइमल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कितनी आ जाएंगी फोर के जी मीटर स्क्वायर आ जाएंगी ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हमसे क्या कहा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट सो सेकेंड बोर ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है थर्ड बोर ऑर्बिट में क्या होगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है सो so, रिलेशन कैसा रहता है ई थ्री बाई ई टू इज इक्वल्स टू टू स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ठीक है सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर सेक्शन बी आल्सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन सी सो सेक्शन सी में हमें एट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑप्टेंट द रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ सो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करना है दैन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट डैट इज जी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो ऑप्टेंट करना था हमें सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेशनटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम सो द रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल्स टू जी capital M into small m by r square. This will be our equation 1. And from Newton's second law of motion, we can write that force is equals to mg. So, dono ko equate kar denge. So, acceleration due to gravity, that is small g, is equals to gravitational constant capital G into capital M by r square. So, the above expression uh, represents the relation between universal gravitational constant, that is capital G, and gravitational acceleration, that is small g. ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ सो यहाँ पर यह हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो क्वेश्चन था वो कम्प्लीट हो गया मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में हमसे क्या कहा है डिफाइन लीनियर एस एच एम ऑप्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस एच एम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस एच एम ऑप्टेंट करना है सो लीनियर एसएचएम इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी

देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स था तो एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स को इक्वेट कर दिए बट द वैलिसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाय डी टी सो इसलिए एक्सेलरेशन को हम लोग डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं सो so यहाँ पर ये यह जो एम ए आया था यहाँ पर फिर हम लोग ने क्या कर दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दिया एम इन टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स फिर उसको सॉल्व कर लिया हम लोग ने यहाँ पर सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ये क्या हो जाएंगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएंगी एस एच एम की ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में हमसे क्या कहा है एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट इन साउंड स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट सो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट इन साउंड को हमें एक्सप्लेन करना है एंड उसके दो एप्लीकेशन बताने हैं सो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है If either source of a sound or a listener or both is moving with respect to air the listener detects a sound whose frequency is different from the frequency of the sound source this is doppler effect in sound for instance when a sound object moves towards you the frequency of the sound wave increases leading to a higher pitch conversely if it moves away from you the frequency of the sound wave decreases and the pitch comes down the drop in pitch of ambulance sirens as they pass by is a common example of doppler effect in sound relation between apparent frequency and frequency of source so fl is equals to v plus minus vl upon v plus minus vs into fs doppler effect in sound ke applications they can get upala robotics dynamic real-time path planning in robotics to aid the movement of robots In a sophisticated environment with moving uh, obstacles, obtained often take place or uh, often take help of Doppler effect. And second application kya ho jayega The police use radar to detect a speeding vehicle. So police man वगैरह होता है, वो radar को use करते हैं कोई भी vehicle अगर speed से जा रही है पता करने के लिए, ठीक है? Now uh, question number एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन में हमसे क्या कहा है स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरल एक्सेस इन रोटेशनल मोशन प्रिंसिपल ऑफ पैरल एक्सेस को हमें प्रूव करना है एंड उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो देनी है Uh, so, parallel axis principle of parallel axis statement the moment of inertia that is I naught of an object about any axis is the sum of its uh, moment of inertia that is I t about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass and the product of the mass of the object and the square of the distance between the two ob objects, two axis that is m h square. अगर उससे हमने प्रूव करने के लिए आएगा सो यहाँ पर सेम टेक्स्ट बुक में भी बता हुआ है सेम वैसे ही लिखा है सो यहाँ पर ये यह डायग्राम बना लेना एंड देन अबाउट एक्सेस एम ओ पी डेट इज एम ओ एंड पी ये वाले एक्सेस आई नॉट इज इक्वल्स टू डी ओ और डी ओ स्क्वायर डी एम इंटीग्रल कर देंगे उसका सो यहाँ पर ये यह देख लो कैसे सॉल्व करना है पूरा सेम यही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छी लग रही होंगी दैन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल ठीक है सो so यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर आ जाएगा सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थेरम ऑफ पैरल एक्सिस सेम जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था वही इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है उतना सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में हमसे क्या कहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर स्टेट इट्स एनी टू एप्लीकेशन पैरल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है एंड तो उसके एप्लीकेशनस लिखना है हमें ठीक है सो पैरल प्लेट कैपेसिटर अ पैरल प्लेट कैपेसिटर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए हेल्ड पैरल टू ईच अदर एट अ सुटेबल डिस्टेंस डी अपार्ट दिस प्लेट आर सेपरेटेड बी एंड इंसुलेटिंग मीडियम लाइक पेपर एयर माइका ग्लास एक्सेट्रा वन ऑफ द प्लेट इज इंसुलेटेड एंड द अदर इज अर्थेड एज शोन बिलो सो यहाँ पर देखो एक प्लेट इंसुलेटेड होती है ये वाली एंड दूसरी वाली प्लेट कैसी होती है हमारी अर्थेड होती है फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे कैपेसिटेस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल कैप, प्लेट कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस कैसे देंगे ए एप्सिल नॉट बाई डी एंड देन उसके दो एप्लीकेशंस बताना था तो क्या हो जाएंगे वी कैन यूज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर और ट्यूनिंग पर्पज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर वेरियस एप्लीकेशन सेकेंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सुटेबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ हारमोनिक फ्रॉम ए सी सप्लाई नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमें तीन टर्म्स दिए हुए उन्हें डिफाइन करना है ए यंग्स मॉड्यूल्स बी बल्क मॉड्यूल्स एंड सी पॉइजन रेशियो ठीक है सो so, यहाँ पर यंग्स यंग्स मॉड्यूलर्स क्या होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यंग मॉड्युलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बल्क मॉड्यूल्स इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन बल्क मॉड्यूल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन एंड देन पॉइंज रेशियो पॉइजन रेशियो क्या होता है विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड द पॉइजन रेशियो पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन यहाँ पर हमारे तीनों टर्म्स डिफाइन हो गए नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या कह रहा है एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ठीक है सो so यहाँ पर क्या करना है हमें सबसे पहले ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ होता है सबसे पहले वो ड्रॉ करना है यहाँ पे ठीक है एंड देन उसके बाद में उसके सभी पॉइंट्स कवर होंगे एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्ट्रम That is, as a function of wavelength of black body. At a given temperature, the radiant power emitted initially increases with increase of wavelength reaches its maximum and then decreases. The wavelength corresponding to the radiation of maximum intensity is characteristic of the temperature of radiating body. And a third point will be: area under the curve represents total energy emitted. पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी एट ऑल वेव लेंथ एंड फोर्थ पॉइंट विल बी द पिक ऑफ द कर्व शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट शॉर्टर वेव लेंथ दैट इज द वैल्यू ऑफ लैमडा डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लैमडा की वैल्यू डिक्रीज करेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगा हमारा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलैंड फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एमस्ट्राम इज यूज टू ऑप्टेन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन द फ्रिंज विच चेंजेस बाय वन पॉइंट थ्री एम एम वैन द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द बाइप्रिज्मय फिफ्टी सेंटीमीटर कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लेट ठीक है सो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था आ, क्या क्या गिवन दिया हुआ है न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले गिवन वगैरह लिख लेना लैमडा इज इक्वल्स टू फाइव पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन मीटर हो जाएगा जो कैपिटल डी है वो फिफ्टी सेंटीमीटर दिया हुआ है फाइव जीरो पॉइंट फाइव मीटर हो जाएगा बी इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री एम एम विच इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री एम एंड स्मॉल डी ए फाइंड आउट करना है डेट इज डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ऑफ द स्लेट सो फ्रेंच विथ का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल बी इज इक्वल्स टू लैमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे स्मॉल डी की वैल्यू निकालना था एलएचएस में आ जाएगा वो सो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आप ना हमारे पास में जीरो पॉइंट टू एम एम आ जाएंगी ठीक है सो द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ऑफ द स्लीट इज जीरो पॉइंट टू एम एम नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ वन मीटर हैज मास टेन ग्राम एंड ऑसलेट फ्रीली विथ एम्पलीट्यूड ऑफ फाइव सेंटीमीटर कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन ठीक है सो so यहाँ पर ट्वेंटी थ्री में लेंथ जो है वो हमें कितनी दी हुई है वन मीटर दी हुई है मास इज इक्वल्स टू टेन ग्राम विच इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस थ्री के जी ए क्या है एम्पलीट्यूड फाइव सेंटीमीटर दी हुआ है फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू टू पाए इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाय जी होता है ये पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई बाय टी सो यहाँ पर टी ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई अपॉन टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाय जी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पी ई इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा ओमेगा के जगह पर यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ जी बाय एल लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर है सो so यहाँ पर जी बाय एल आ जाएगा सिंपल देन वैल्यूज पूरी सब्सटीट्यूट कर देंगे सो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन कितनी आ जाएंगी हमारी वन पॉइंट टू टू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर जू लाएंगी ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या कहा है हमसे इफ द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर इज जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर given डेट refractive इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड water विथ respect टू एयर आर 1.5 and 4 एंड फोर बाय थ्री रिस्पेक्टिवली सो वी वी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसे हम लोग ने एज्यूम कर लिया है म्यू जी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ग्लास का कितना दिया हुआ है 1.5 पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वाटर का कितना दिया हुआ है 4 बाय ठीक है सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन डैट इन ग्लास So, the speed of light is greater in water as compared to glass. So, difference in the speed of light in glass and water is given by Vw minus Vg is equal to 0 0.25 into 10 to the power 8 meter per second. Uh, that is velocity of uh, water. Velocity of water v, uh, Vw is equal to V by uh, mu w. That is refractive index of water. एंड वी जी इज इक्वल्स टू वी बाय म्यूजी देन उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ही फाइंड आउट करना था डैट इज वी सो ये जो पूरे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पर देख लो पूरी वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू सब्सटीट्यूट की है सो so, जो हमारा वेलिसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो कितना आ जाएगा थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इन अ सर्कस अ मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग मास ऑफ फिफ्टी के जी मूव्स इन अ स्पेरिकल केज ऑफ रेडियस थ्री मीटर कैलकुलेट द लीस्ट वेलोसिटी विद विच ही मस्ट पास द हाइस्ट पॉइंट विदाउट लूजिंग कॉन्टेक्ट ऑल्सो कैलकुलेट हिज एंगुलर स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर हमें एंगुलर स्पीड भी कैलकुलेट करना है यहां पर एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा फॉर एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन मोटरसाइकिलिस्ट मोटरसाइकिलिस्ट पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है एम जी प्लस एन वैन मोटरसाइकिलिस्ट लूज कॉन्टैक्ट जब मोटरसाइकिलिस्ट उसका कॉन्टेक्ट लूज कर जाएगा तब नॉर्मल कितना हो जाएगा नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब कि एम वी स्क्वायर बाय आर डेट इज सर्कुलर मोशन वाला जो फोर्स है ट्रपिटल फोर्स विच इज इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा सो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी सो यहाँ से वेलोसिटी आ गई सिंपल देन एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना था विच इज इक्वल्स टू वी बाई आर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी सो एंगुलर स्पीड जो है वो हमारी कितनी आ गई वन पॉइंट एट जीरो सेवन रेडियन पर सेकेंड दस द एंगुलर स्पीड एट हाइएस्ट पॉइंट इज वन पॉइंट एट जीरो सेवन रेडियन पर सेकेंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में हमसे क्या कहा है टू रेसिस्टेंस एक्स एंड वाई इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज गिव्स अ नल पॉइंट डिवाइडिंग द वायर इन द रेशियो टू इज टू थ्री इफ इच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय थर्टी ओम द नल पॉइंट डिवाइड्स द वायर इन द रेशियो फाइव इज टू सिक्स कैल्कुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है सो so, यहाँ पर जो इनिशियल केस दिया हुआ है हमें विटस्टोन स्टोन ब्रिज का वो क्या है एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू वाई बाय थ्री डेट इज सो इसको सॉल्व कर लेंगे थ्री एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई इक्वेशन वन कंसिडर कर लेंगे एंड जो सेकेंड केस हमसे कहा है वो क्या है एक्स प्लस थर्टी बाय फाइव इज्कल्स टू वाई प्लस थर्टी बाय सिक्स सो इसको भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया यहाँ पर यहाँ पर भी साधी सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी थी वैल्यूज पुट करना है आंसर मिल जाएगा एक्स एंड वाई का सो so एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी ओम्स uh, आ जाएगा एंड वाई कितना आ जाएगा थर्टी ओम्स आ जाएगा ठीक है सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर सेक्शन सी ऑल्सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन डी सो सेक्शन डी में हमें थ्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या कहा है हमसे शो डैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन अ ओपन इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ठीक है सो so यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करना है द फंडामेंटल टोन और मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ऐसा एयर कॉलम जो कि दोनों साइड से ओपन है और दोनों साइड से ओपन है तो लेंथ कितनी हो जाएंगी उसकी लेमडा बाय टू हो जाएंगी एन इज इक्वल्स टू वी बाय लेमडा वैल्यूज पुट करेंगे सो so, जो कैपिटल एल है उससे हम लोग लो एल प्लस टू ई भी लिख सकते हैं तो ये हमारी इक्वेशन वन आ जाएंगी ठीक है इक्वेशन वन जो है ये क्या हो जाएंगी हमारी एन इज इक्वल्स टू वी अपॉन टू इंटू एल प्लस टू ई ये क्या है हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है या फिर फर्स्ट हारमोनिक है देन सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी द नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ एयर कॉलम इट इज ओपन एंड बोथ एंड एंड यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा था हमारा ठीक है तब फिर जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है लेंथ ऑफ एयर कॉलम दैट इज एल एल इज इक्वल्स टू लैमडा था यहाँ पर सो फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल्स टू बी बाय लैमडा यहाँ पर v अपॉन एल प्लस टू ही आ जाएगा सो so, इसको इक्वेशन टू कंसिडर करिए सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ये मतलब कि एन वन एन वन मतलब कि ये वाली जो कंडीशन है हमारी अभी वाली जो जिसमें जो एयर कॉलम है वो कैसा है ओपन है दोनों साइड से so, सो इस, इसमें जो फ्रिक्वेंसी एन वन है वो कितनी है टू इन n, एन एन क्या थी यह हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी या फिर फर्स्ट हारमोनिक था सो so ये जो एन वन ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड हारमोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे इसे एंड देन उसके बाद में हम लोग थर्ड थर्ड हारमोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन निकालेंगे थर्ड हारमोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन में जो हमारा फ्रिक्वेंसी डेट इज एन टू होता है वो कितना आ जाएगा थ्री एन आ जाएगा तो so इसको हम लोग ने इक्वेशन नंबर फाइव कंसिडर कर लिया so from equation uh, this is the frequency of third harmonic or second overtone so from equation 1 3 and 5 it is clear that all harmonics are present in case of an air column vibrating in a pipe open at both end सो so, ये देखो जितने भी ओपन पाइप्स होते हैं तो उसमें जितने भी केसेस होते हैं मतलब कि हारमोनिक्स के डैट इज एन एन इज एन वन इज इक्वल्स टू टू एन एन टू इज इक्वल्स टू थ्री एन ये सभी के सभी केसेस आ रहे थे वही हमें शू करना था यहाँ पे ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में हमसे क्या पूछा है वॉट इज अ रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ अ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ नल वेव रेक्टिफायर ठीक है सो so, यहां पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है रेक्टिफायर क्या होता है वो बताना था सो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज इंटू डी सी इंटू डी सी वोल्टेज इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है देन उसके बाद में यहाँ पर यह क्या हो जाएगा ये वाली हमें एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी थी एंड नल वेव रेक्टिफायर का जो वर्किंग है उसे एक्सप्लेन करना था सो so ये वाली हमारी क्या हो गई सर्किट डायग्राम हो गई ठीक है नाउ फर्स्ट पॉइंट इन अ फुल वेव रेक्टिफायर करंट फ्लोज थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ द हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज सेकेंड This is because the full wave rectifier circuit consists of two diodes conducting alternately. The diodes D1 and D2 are conducted such that D1 conducts in the positive half cycle and D2 conducts in the negative half cycle of the input voltage. During the positive half cycle of the input voltage, the point A is at a higher potential. Than that of the point B and the diode D1 conducts. The current through the load resistance RL follows the path APQRC as shown in the above figure. During the negative half cycle of the input voltage, point B is at higher potential than point A and the diode D2 conducts. The current through the load resistance RL follows the path BPQRC. दस द करेंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ द साइकिल देन उसके बाद में यहाँ पर ये यह जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ से ये वाला जो पहला वाला वेव दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वाला ये इनपुट वेव फॉर्म है डी वन जो था वो हमारा पॉजिटिव वेव फॉर्म कंडक्ट कर रहा था और डी टू वाला जो है वो नेगेटिव वाला कर रहा था देन उसके बाद में यहाँ से हमें क्या मिला यह टोटल आउटपुट मिला So, एक इसका हो गया वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल फॉर अ फुल रेक्टिफायर ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में हमसे क्या कहा है वॉट इज कैपिलैरिटी गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल ऑफ रेडियस जीरो पॉइंट वन एम सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज इक्वल टू थर्टी डाइन पर सेंटीमीटर सो यहाँ पर हमें कैपिलैरिटी को सबसे पहले डिफाइन करना है देन उसके दो एप्लीकेशन बताने हैं एंड देन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ठीक है सो so, कैपिलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है द फेनमिन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब वैन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी एप्लीकेशन देखेंगे द ऑयल राइजेस थ्रू विक्स ऑफ लैम्प थ्रू कैपिलरी एक्शन सेकेंड एनी लिक्विड विल बी एब्जॉर्ब बाय द स्पंजेस थ्रू कैपलरी एक्शन एंड देन उसके बाद में एक न्यूमेरिकल था सॉल्व करने के लिए जहां पर जो रेडियस ऑफ बबल है वो कितना दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू टेन इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर सर्फेस टेंशन टी इज इक्वल टू थर्टी नाइन पर सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू थर्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री न्यूटन पर मीटर वर्क डन कैलकुलेट करना था सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन सरफेस एनर्जी ठीक है सरफेस एनर्जी को टू टी इंटू डी ए लिखते हैं बट उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा डी ए डैट इज़ जो एरिया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सो so, जो सो so, जो बबल होता है उसके दो सरफेस दो फ्री सरफेस होते हैं तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे डी ए इज इक्वल्स टू टू इंटू फोर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एट पाई आर स्क्वायर सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए टी क्या था यहाँ पर हमारा सरफेस टेंशन इंटू एरिया सो एरिया कितना है एट आर स्क्वायर है देन यहाँ पर पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे सो वर्क डन कितना आ जाएगा फाइव सेवन पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री जूल आ जाएगा, सो दर फोर द वर्क डन इज सेवन पॉइंट फाइव फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री जूल ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी में हमसे क्या कहा है स्टेट दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर यहाँ पर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं अवविंग कॉयल गेल्वनोमीटर एम सी जी हैजेन टर्स ईच ऑफ लेंथ ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड ब्रेथ एट सेंटीमीटर द कॉयल ऑफ एम सी जी कैरीज अ करंट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव म्यू एंड इस परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टेन टू द पावर माइनस टू टेस्ला द ट्विस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्स फाइबर इज ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन न्यूट्रन मीटर पर डिग्री कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस सो यहाँ पर सबसे पहले एम सी जी के हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस बताने थे ठीक है सो so, ये देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेस ऑफ अ मूविंग ऑयल गैलवेनोमीटर एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा उसकी हाई सेंसिटिविटी होती है सेकेंड क्या है नॉट इजीली अफेक्टेड बाय स्ट्रेम मैग्नेटिक फील्ड थर्ड टॉर्क ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो इज हाई एंड फोर्थ हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी एंड अगर डिसएडवाटेजेस की बात करेंगे अगर एम सी जी के सो इट कैन ओनली इट कैन बी ओनली यूज टू मेजर डायरेक्ट करेंट एंड सेकेंड डेवलप्स एरर्स ड्यू टू फैक्टर्स लाइक एजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मैग्नेट एंड डैमेज ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू द मैकेनिकल स्ट्रेस उसके बाद में हमें यह एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना था जहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमें कितनी दी हुई है टेन दी हुई है लेंथ कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर है ब्रेथ एट सेंटीमीटर करंट वन ट्वेंटी फाइव मू है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन टेन टू द पावर माइनस टू टेस्ला ट्विस्ट कॉन्स्टेंट ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन न्यूटन मीटर पर डिग्री दिया हुआ है देन उसके बाद में करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल ऑफ एम सी जी वो कैलकुलेट uh, करना था तो करंट आई इज इक्वल्स टू के अपॉन एन बी ए इंटू ठीटा जहाँ पर थीटा क्या है वो क्या थीटा क्या कर रहा है यहाँ पर एन बी ए बाई के इंटू एल रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सो so यहाँ पर पूरी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे देन कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा डिफ्लेक्शन मतलब कि थीटा सो so, डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस हो रहा है टेन डिग्री प्रोड्यूस हो रहा है सो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूज इज टेन डिग्री नाउ दिस विल बी आर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैगनीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अ सर्कुलर कॉयल ऑफ थ्री हंड्रेड ट्स एंड डायमीटर फोर्टीन सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ फिफ्टीन एम्पियर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोवमेंट एसोसिएटेड विद द कॉयल सो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन जो है उसे डिराइव करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ठीक है सो द करंट इन अ लूप ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना है? करंट आई इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम क्यू बाय टी टाइम पीरियड टू पाई आर बाय वी सो यहाँ पर थोड़ा शफल किया सो करंट आई कितना आ जाएगा यहाँ पर क्यू वी अपॉन टू पाई आर आ जाएगा देन मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू आई इन टू ए आई डेट इज करंट कितना आया क्यू वी अपॉन टू पाई आर एंड एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर सो यहाँ से वैल्यूज कट हो जाएंगी सो so, कितना आ जाएगा क्यू वी आर बाय टू आ जाएगा एंड उसके बाद में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिया था जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल कैपिटल एंड कितना दिया हुआ थ्री हंड्रेड रेडियस ऑफ कॉल आर इज इक्वल टू फोर्टीन बाई टू सेवन सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू से पावर माइनस टू मीटर करंट इन कॉइल आर इज इक्वल्स टू 15 एम्पियर दिया हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द लुप फाइंड आउट करना था सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एम इज इक्वल्स टू एन आई ए एन आई ए ए क्या हो जाएगा एरिया डेट इज पाई आर स्क्वायर वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद में सिक्सटी नाइन पॉइंट टू जूल पर टी सो हियर वी हैव कम्प्लीटेड आर बोर्ड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स So, if you like the video, please like, share, and subscribe our channel. And if you are having any queries, then do message in the comment box. Thank you.